हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडर वकील। आज 22 में है और आज का हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मैं कंटिन्यू बेसिस पर यहां पर बोलता जा रहा हूं कि निफ्टी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। रीजन है ये हैमर अपना बना था 100 EMA पर और तब मार्केट था 22,100 और कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर जा रही है। यहाँ से निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था 22,600 का और कल का हाई देखेंगे तो लगभग 22,592 का लगा है, 22,592.37 का लगभग ये हाई लगा है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, डेली चार्ट पर जाओ। डेली चार्ट पर मैंने कंटिन्यू बोला है आपको कि अगर हम 22,500 इस वाले के ऊपर निकलेंगे तो हम 22,600 तक जाएंगे, वो हम आ गए। अब ये वाली जो कैंडल है इसका रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, 22,592 से लेके ये कैंडल का जो हाई है, इस विक को आपको मेजर करना है। इस कैंडल का हाई है 22,618, तो बेसिकली 22,618 से लेके 22,592 ये अभी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है अपसाइड प्ले करने के लिए। तो 22,620 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से हम क्लियर कट ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएंगे फिर, क्योंकि ग्लोबल भी पूरा ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है तो हम भी धीरे 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 करते हुए यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ निकलने चाहिए। ऑल्सो अगर डाउन साइड खेलना है तो 5 मिनट का चार्ट आपको लगाना है और 5 मिनट के चार्ट के अंदर जो एक फॉल आया था अभी रिसेंटली 400 पॉइंट का, एक छोटा सा फॉल आने के बाद 400 पॉइंट का राइज आया था, इसके ऊपर क्लियर कट फिबोनाची लगाना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिबोनाची लगाएंगे इसके ऊपर। जैसे ही यहाँ पर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी 22,467, 22,467 इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम ऑल द वे यहाँ तक आ जाएंगे। इसके नीचे मुझे लगता नहीं कि हम जाएंगे, 22,390 का लेवल है, मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे हम जाएंगे, क्योंकि जो कल भी बड़ी मारूबोजू काइंड ऑफ कैंडल आई है और यहीं से मार्केट रिट्रेस कर गया है पूरा, और पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से कवर कर गया था। तो अपसाइड खेलने के लिए 22,600 का लेवल, या फिर यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल, वहां से आप अपसाइड प्ले कर सकते हैं, या इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर आप डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल आती है तो अपसाइड प्ले कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल, बुलिश अरामी, बुलिश एंगल्फिंग या हैमर, तीन कैंडल कोई भी आती है यहाँ पर, 5 मिनट के चार्ट पर भी आती है और उसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज होती है तो आप अपसाइड प्ले कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी के कंटिन्यू बेसिस पर बोल रहा हूँ कि 48,250 से लेके 48,300 जो है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का है डेली चार्ट, और डेली चार्ट पर यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती, 48,300 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, और 48,300 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है हम यहां तक आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा बुलिश है, तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर प्ले करना थोड़ा वाइज है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी अब थोड़ी रेंज बाउंड आज के दिन देखने को मिल सकती है। 22,620 के ऊपर जाने दो तो निफ्टी के अंदर अच्छा खासा एक अपसाइड का ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकता है। डाउन साइड नहीं खेलना है, बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, मार्केट बुलिश है तो बाय ऑन डिप्स का ही आपको ट्राई करना है। यहाँ पर डाउन साइड खेलने का एक मौका है जो लगभग आपका 60-70 पॉइंट का मिलेगा। फिबोनाची लगाओ, 5 मिनट के चार्ट पर आपको पूरे लेवल्स मिल जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप आज के दिन यानी 22 मई और 23 मई को भी इसके अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही रोज बुलेटिन हम आपके सामने लाते रहेंगे सुबह 8:20 पर। थैंक यू सो मच।